हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप कैसा है, अच्छे होंगे। सो गाइस वापस हम लोग आ चुके हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल बीटा 1.9 में, और आज मैं एक छोटा सा आपको फीचर दिखाने वाला जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसको पिछले वाला वर्जन में ऐड कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी ऐड हुआ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसी के साथ साथ आपको पता है कल शाम को मैं एक वीडियो बना था जिसमें मैं आपको मंथ नए रॉयल पास का 50 RP में जो वुकोंग प्राइम जो आउटफिट आने वाला उसका एक्चुअल लुक दिखाया जो कि वॉरफ्रेम गेम के अंदर है। तो आपको पता है एक और मिथिक आउटफिट का हम लोग को लिक्स मिला था जो कि आरपी एडवेंचर में आने वाला, जिसका नाम शायद से एक्सकैलिबर उम्बर या अंबर है, और वो भी नेक्स्ट लेवल आउटफिट होने वाला है। उसका भी मैं आपको वॉर फ्रेम गेम का लुक दिखाने वाला, वही एग्जैक्टली थोड़ा सा लाइटर वर्जन आपको BGMI और पबजी मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा। और गेस व्हाट, ये डिजर्विंग मिथिक आउटफिट है, ना कि वो मंथ 3 वाला फ्रेंच फ्राई वाला आउटफिट है ना, वो डिजर्विंग मिथिक आउटफिट नहीं है। तो वीडियो के एंड तक देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलो मैं आपको छोटा सा फीचर दिखा देता हूँ जो कि 1.9 में ऐड किया गया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। 1.8 अपडेट आने का पहले आपको पता है, अगर आप सब मैप खेलना चाहते हो पबजी और BGMI के अंदर, तो आपको रैंडम का ऑप्शन दिया जाता था, बट 1.8 में आपको रैंडम का कोई भी ऑप्शन नहीं था। आपको एक एक करके मैप सेलेक्ट करना पड़ता था, तभी जाके हर एक मैच में आपको अलग मैप मिलता था। बट 1.9 में फाइनली वो चीज़ को फिक्स कर दिया गया, एक रैंडम मैप सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ आप उसको सेलेक्ट करोगे तो रैंडमली जितना भी मैप एलोकेट किया गया है उसमें से आपको कोई भी मैप खेलने को मिल जाएगा। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपका मैप्स डाउनलोड होना चाहिए। मैप अगर दो डाउनलोड है तो दोनों में से कोई एक रैंडम लगेगा, सब डाउनलोड है तो सब में से कोई भी रैंडम लग सकता है, ठीक है। तो रैंडम मैप में आप क्लिक कर सकते हो और आपका मैप चालू हो जाएगा रैंडमली, और उसके साथ से इधर से आप मैप देख सकते हो कौन कौन सा मैप आप रखना चाहते हो, इधर से सेलेक्ट करो, नहीं तो बाकी सबको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो रैंडम वाला फीचर वापस से आ गया जो कि काफ़ी यूजफुल है, मेरे जैसा प्लेयर जो सब मैप खेलता है उन लोग के लिए तो बहुत ही यूजफुल फीचर होने वाला, ठीक है। तो अभी मैं आपको पबजी मोबाइल 1.9 का कुछ ऑड पैच नोट दिखा देता हूँ जो कि पबजी मोबाइल ऑफिशियली बता दिया है। तो आपको पता है रिकॉल फैसिलिटी 1.8 में डाला गया था मैप्स के अंदर, वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, तो इसलिए पबजी मोबाइल उसको थोड़ा बहुत और एक्सपेंड करने वाला मैप्स में। तो कौन कौन सा मैप में आपको 1.9 में देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अनरैंक मोड में आपको इरेंगल, लिविक एंड आफ्टरमार्थ में वोला रिकॉल फैसिलिटी दिख जाएगा, और सेकेंड जो आप देख पा रहे हैं रैंक मोड में आपको इरेंगल, वाइब्रेंट एनिवर्सरी जो हम लोग का एनिवर्सरी मोड आने वाला है उसमें भी आपको रिकॉल दिख जाएगा ऑप्शन, उसके साथ साथ लिविक का भी वाइब्रेंट एनिवर्सरी होने वाला है, उधर भी आपको रिकॉल फैसिलिटी मिल जाएगा जिससे आप अपने फ्रेंड को सेकेंड लाइफ दे सकते हो या दूसरा बार गेम के अंदर बुला सकते हो। समझ में आ गया, तो ये छोटा सा पैच नोट था पबजी मोबाइल टीज कर दिया। उसके साथ से एक वीडियो क्लिप भी वो लोग टीज किए आज, वो है ब्रिज 2.0। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इरेंगल का जो ब्रिज होने वाला है हम लोग का मिलिट्री बेस और नोवो वाला, उसको चेंज कर दिया गया, साइड में आपको और भी रूट दिख जाएगा, तो वो वीडियो आप देख पा रहे, इसमें टीज कर दिया गया, होपफुली आपको पता चल गया, ठीक है। तो अभी मैं जो आपको मिथिक आउटफिट दिखाने वाला वो एक्चुअली BGMI के अंदर उसका टेक्सचर नहीं आया, बट एक इमेज तो लिखो के आ गया, और इसका नेम है एक्सकैलिबर उम्ब्रा नाम है शायद इसका, और ये मिथिक आउटफिट होने वाला, और ये आरपी एडवेंचर के अंदर मिलेगा, और इसका कॉस्ट तो अच्छा खासा होने वाला है, बहुत ही कम लोगों के पास ये आउटफिट होने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा टीजर दिखा देता हूँ, ये BGMI का टीजर नहीं है, ये वॉरफ्रेम का टीजर है, और ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का आउटफिट हो सकता है। और देखो इसका अलग अलग, देखो गेम के अंदर अलग अलग इसका वेरिएंट है, मैं वॉरफ्रेम थोड़ा बहुत खेला हूँ, उसमें एजेंट्स का थोड़ा बहुत आप लेवल अप कर सकते हो, थोड़ा बहुत लेवल अप में आपको अलग अलग सूट दिखाई देता है, जैसे मैं आपको कल वुकोंग प्राइम का दिखाया था। तो इसका थोड़ा बहुत टीजर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये PC गेम है तो PC गेम में और भी थोड़ा ग्राफिक्स अच्छा लगता है, तो इसका थोड़ा सा लाइटर फॉर्म आप बोल सकते हो गेम के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, बट ये भी नेक्स्ट लेवल आउटफिट होने वाला। उसके साथ साथ वॉरफ्रेम के अंदर कैसा लुक है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इधर आप देख पा रहे हैं हम लोग का वॉरफ्रेम का लुक कैसा रहेगा, इसमें एक वाइड वेरिएंट भी अवेलेबल है, और मुझे लगता है वाइड वाला वेरिएंट ही आपको मिलने वाला जितना हम लोग फोटो में लिखो के आया। आपको क्या लगता है कमेंट करना। इसका PC वाला तो ग्राफिक्स आप देखो नेक्स्ट लेवल, और ये अगर मोबाइल में आ जाएगा तो तुम समझ रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला। तो आप लोग कमेंट करो कैसा लगा, मैं थोड़ा बहुत गेम प्ले अटैच कर दूंगा, इसका थोड़ा बहुत गेम प्ले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, होपफुली आपको काफ़ी अच्छा लगे। इसका एबिलिटी अलग अलग है ये गेम के अंदर, बट उसमें तो पबजी मोबाइल में तो ऐसा कुछ एबिलिटी थोड़ी होगा, वो केवल एक आउटफिट का फॉर्म में आने वाला, ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अभी तक पबजी मोबाइल BGMI का इन गेम लुक आया नहीं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली 2-3 दिन में आपको इसका इन गेम लुक भी दिख जाएगा और आपको दिखेगा कि एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि यही चीज़ को उसमें डाला जा रहा है। तो मेरा काम इतना ही था ये वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।